सदगुरु की साजी नवाजी गुरु प्यारी सत्संगत जी, बड़े ही प्रेम और सत्कार से बोलिए धन्यंकार जी। आज का टॉपिक है गुरु का सेवक वही है केवल प्रभु को अंग संग जाने जो। प्यारी सत्संगत जी, ये परमपिता परमात्मा जिसका दीदार हमें करवा दिया गया है सतगुरु की कृपा से, कि देखो यही निराकार है, इसके सिवा और कुछ भी नहीं है। ब्रह्म की प्राप्ति, ब्रह्म की समाप्ति। जहां जहां जाओगे तो हर जगह यही निरंकार मिलेगा, जहां जाओगे वही निरंकार मिलेगा। ये जो अंगसंग परमात्मा दिखाया गया है, अंगसंग जो प्रभु हमारे, यही हमारा अपना है, पक्का रिश्तेदार यही है, और हर रिश्ता सपना है, यही हमारा मंदिर, मस्जिद, मक्का, काबा, ज्यारत है, यही हमारा माल खजाना, यही हमारी दौलत है। जिनको यह रब याद रहा ना, खाली वे बेचारे गए, कहे अवतार वो पंथी सारे, खोज खोज में मारे गए। तो ये जो अंग संगी राम है, ये निरंकार है, यही हमारा अपना है, और निरंकार के सिवा बाकी सब सपना है। इस संसार में कोई भी अपना नहीं है, अपना है तो केवल और केवल परमात्मा है, केवल और केवल ये निरंकार है, यही अपना है, जो हमेशा हर पल हर घड़ी हमारे साथ रहता है। मुको कहाँ ढूंढत है बंदे, मैं तो तेरे पास में, कि मैं तो तेरे पास में रहता हूँ, मैं तो तेरे साथ में रहता हूँ, तो मुझे कहाँ खोज रहा है। कस्तूरी कुंडल बसे, मृग ढूंढे वन माही, ऐसे घट घट राम है दुनिया देखत नहीं। कि परमात्मा तो हमारे अंदर है, हमारी आत्मा में ही परमात्मा है, और सदगुरु ने इसका बोध करा दिया ब्रह्म ज्ञान देकर, कि ब्रह्म की प्राप्ति, ब्रह्म की समाप्ति। ये जो खाली जगह है, जो तलियों के इशारे से हमें समझा दिया गया कि खाली जगह भरी हुई है, ये खाली जगह ही तो निरंकार है, और जो कुछ भी नहीं है यही तो सब कुछ है, जिसे हम कुछ भी नहीं समझते हैं, खाली जगह समझते हैं, यही ईश्वर है, यही निरंकार है, यही परमपिता परमात्मा है, जिसे हमें तलियों के इशारे से समझा दिया गया। जब हम ज्ञान लेते हैं तो हमें ये बात समझाई जाती है कि ये जो खाली जगह है, यही परमात्मा है, यही ईश्वर है, इसको जान लो। जानने के बाद फिर इसे कहा गया ये निरंकार है, हमें सिमरन दिया गया, तो ही निरंकार, मैं तेरी शरण हां, मैंने बख्श लो, यही परमात्मा है। इसको जानने के बाद फिर इसको किसी भी नाम से बोलो, राम बोलो, अल्लाह बोलो, गॉड बोलो, वाहे गुरु बोलो, दुर्गा, शारदा, सरस्वती, काली, शंकर, राम, कृष्ण, कुछ भी बोलो, किसी भी नाम से बोलो, यही निरंकार है, इसके अनंत रूप है और अनंत नाम है। तो हमारे सारे भ्रम सतगुरु समाप्त कर देते हैं, हमारी अविद्या, हमारा अज्ञान समाप्त हो जाता है, क्योंकि जहां पर अविद्या है, ये अज्ञान है, तो फिर वहीं ये अंधकार है। जब मन में अंधकार होता है, मन में भ्रम होता है, तो फिर मन अहंकार में चूर रहता है, अहंकारी मन। लेकिन जब इस मन को परमात्मा के दर्शन होते हैं, ज्ञान का सूरज उदय हुआ तो हुई है रोशन आत्मा, कहे हर देव की देख लिया है कण कण में परमात्मा। सदगुरु कृपा से ज्ञान की रोशनी मिली, ब्रह्म का ज्ञान मिल गया, और ये अंग संग राम नजर आ गया। गुरु का सेवक वही है केवल प्रभु को अंग संग जाने जो। दूजा भाव मिटाए मन से, सत्य मार्ग पहचाने जो। गुरु का केवल वही है सेवक, गुरु ऊपर आधार धरे, निश्चल होके मीठा बोले, संतों के संग प्यार करे। पल पल गुरु सहायक होता, जो सतगुरु का धरता ध्यान, कहे अवतार
कि ऐसा सेवक लाखों का करता कल्याण। कि सदगुरु सहाई होता है, जब अंग संग इस निराकार को हम देखते हैं, महसूस करते हैं, तो जो इस अंग संग निराकार को याद करता है, इस निराकार को महसूस करता है, फिर वो कभी अकेला नहीं होता। जो सिमरन करता रहता है वो कभी अकेला नहीं होता। उस सेवक के साथ सदगुरु निरंकार हमेशा खड़ा होता है। गुरु का जो सेवक होता है ये अपने अंग संग प्रभु को देखता है, राम को देखता है। जहां जाता है ये परमात्मा उसके साथ होता है। मैं जिधर भी जा रहा हूं ये परमात्मा मेरे साथ है, मेरे अंग संग है। जमी जमा के बीच में समस्त एक ज्योत है, न घाट है न वाद है, न घाट वाद होते हैं। ये बहुत करीब है, जितना करीब खुदा उतना करीब ना कोई। तो ये हमें समझाया गया कि जर्रे जर्रे में जो खुदा है, जिसकी बात करते हो कि जर्रे जर्रे में खुदा है, कण कण में भगवान है, रोम रोम में राम है, तो इसको जान लो। वो खुदा हरगिज हो नहीं सकता जो इधर तो है और उधर नहीं है। ऐ इंसान, खुदा पर्दे में नहीं है। पर्दे में तो तुम हो, पर्दे में तुम हो। और इतना बड़ा पर्दा नहीं बनाया जा सकता जो खुदा को ढक ले। लोग कहते हैं खुदा तो सातवें आसमान में है। सातवां आसमान क्या है? ये तो ब्रह्म ज्ञान है। जब ये ब्रह्म ज्ञान मिल जाता है तो सारे आसमान मिल जाते हैं। ब्रह्म की प्राप्ति, ब्रह्म की समाप्ति। कि सदगुरु की तलियों में ये राज छुपा होता है। जब मुर्शिद मिलता है तो खुदा मिल जाता है। जब एक कामिल मुर्शिद सदगुरु मिलता है तो जाकर ये निरंकार मिल जाता है। जब तक मुर्शिद नहीं मिलते तब तक ये अंग संग राम नहीं मिलता है। तो सदगुरु कृपा करते हैं, जो सदगुरु के पास आता है, सदगुरु के चरणों में शीश झुकाता है, संतों का संग करता है, सदगुरु कृपा करते हैं और इस निराकार के साथ जोड़ देते हैं। सेवा सत्संग सिमरन के साथ जोड़ देते हैं। तो जो गुरु के सेवक होते हैं केवल और केवल निरंकार के साथ जुड़ते हैं। निरंकार के सिवा और कहीं भी मन नहीं लगाते हैं। सेवक लोगों के साथ जुड़ता नहीं है, सेवक केवल इस परमात्मा के साथ जुड़ता है, मानवता की सेवा करता है। प्रभु का रूप समझ के कि सब में निरंकार बस रहा है, सब में प्रभु बस रहा है, तो मानवता की सेवा ही ईश्वर की पूजा है, सेवा महान है। तो सेवा की अंग संग निराकार को महसूस करता है, सब में निराकार को देखता है। गुरु का सेवक वही है केवल, प्रभु को अंग संग जाने जो, दूजा भाव मिटाए मन से, सत्य मार्ग पहचाने जो। कि मन से द्वैत का भाव मिटा देता है और इस अद्वितीय इस निरंकार के साथ जुड़ता है। यही सत्य है, सत्य की डगर पर चलता है, सत्य के रास्ते पर चलता है। क्योंकि वो पहचान जाता है, मन से दूजा भाव मिट जाता है, वैर विरोध नफरत ईर्ष्या सब मिट जाता है। जब इस सत्य मार्ग को हम पहचान लेते हैं, गुरु का केवल वही है सेवक, गुरु ऊपर आधार धरे। सतगुरु का जो सेवक होता है केवल गुरु का आसरा लेता है, केवल निरंकार का आधार लेता है। निरंकार का लो आधार तो जीवन हो गुरुमत अनुसार, केवल आसरा इस निराकार का। तेरे आसरे जो जिए जा रहे हैं, तेरा आसरा जो लिए जा रहे हैं, सफल जिंदगी वो जिए जा रहे हैं। ये सतगुरु का सहारा, सतगुरु का आसरा हमने लेना है। निश्चल हो के मीठा बोले, संतों के संग प्यार करे। क्यों निश्चल होता है? सेवक के मन में छल कपट नहीं होता है, सेवक का दिल साफ होता है, विराट विशाल होता है। जिसका दिल विराट है, जिसका दिल विशाल है, वो सब में हरि के दर्शन करता है, सबसे मीठा बोलता है, प्रेम से बोलता है, सभी का सत्कार करता है। जो ऐसा सेवक होता है, जो निश्चल होता है, विनम्र होता है, तो सदगुरु उसका सहायक होता है। पल पल सदगुरु सहायक होता है। जो इस निरंकार का सदगुरु का ध्यान धरता है, जब हम इसका ध्यान
डरते हैं, इस निराकार का ध्यान करते हैं, तो फिर निराकार हमारा ध्यान रखता है। जब हम गुरु निरंकार का ध्यान करते हैं तो गुरु निरंकार हमारा ध्यान रखता है, हमारी रखवाली करता है, हमें हर मुसीबत से बचाता है। मुसीबत आ नहीं सकती जहाँ गुणगान तेरा है, वो घर जन्नत से बढ़िया है जहाँ तेरा बसेरा है। तो ये गुरु रखवाला बन जाता है, जिसके ऊपर हाथ या रखे जो चाहे करवा सकता, एक छोटी सी चींटी से भी हाथी को मरवा सकता। हाथ गुरु का जिसके सर पर, वह दुनिया से डरता नहीं, इसके सेवक का जो सेवक कभी मौत से मरता नहीं। जब तक भी यह आप न चाहे मारे जग की हिम्मत ना, जीना मरना हाथ इसी के और किसी की ताकत ना। बिमुख मूरख सोच में डूबा, सोच ने इसको मार लिया। अवतार कहे वह मरे ना जन्मे जिसने नाम जितार लिया, जिसने इस नाम निरंकार को जान लिया, इस परमात्मा को जान लिया कि परमात्मा ही है नेरे सूझे नहीं, धृग धृग ऐसी जिंद, तुलसी इस संसार का हुआ मोतिया बिंद। ये तो हमारे बिल्कुल करीब है, बहुत पास है। जल में मीन प्यासी, मैं सुन सुन आवे हंसी। जल के अंदर अगर मछली है और कहे हमें प्यास लगी है, तो फिर हंसी आती है। तो ये जो अंग संग इशारक से निकट है, पलकों के पास है, श्वासों में बसा हुआ है, दिल की धड़कन में बसा हुआ है, ये निरंकार, ये हरि परमात्मा, इसको चित्त में धारण कर लें। अंग संग जो प्रभु हमारे, यही हमारा अपना है। तो ये जो अंग संग निराकार दिखाया गया है, तो गुरु का सेवक वही है केवल, प्रभु को अंग संग जाने। जो तो अंग संग जानता है, और जो ऐसा सेवक होता है वो लाखों को तार देता है। पल पल गुरु सहायक होता, जो सतगुरु का करता ध्यान, कहे अवतार की ऐसा सेवक लाखों का करता कल्याण। कि जो ऐसा सेवक होता है लाखों लाखों को तार देता है, कल्याण कर देता है, क्योंकि वो डूबा रहता है। जो डूबे हैं गुरु की हस्ती में, चार चांद लग जाते हैं उनकी हस्ती में। जो डूबे हैं गुरु की मस्ती में, चार चांद लग जाते हैं उनकी हस्ती में। जिनकी लागी लगन गुरु नाम में, उनका दिया भी जलेगा तूफान में। जो अपनी कश्ती सतगुरु के सहारे छोड़ दिया करते हैं, खुद तूफान भी उन कश्तियों को किनारे छोड़ दिया करते हैं। तो अपनी कश्ती इस निरंकार के हवाले छोड़ दें, सारी चिंताएं निरंकार के हवाले छोड़ दें। चिंता नहीं चिंतन करें, चाह गई चिंता गई, मनवा वे परवाह, जिसको कुछ नहीं चाहिए सोई जन शहनशाह। शहनशाह वही है जो इस निरंकार का हो गया, जिसके मन में निरंकार बस गया, ये खुदा बस गया, ये गॉड बस गया। तो हमें इस निराकार के साथ जोड़ा गया है कि अंग संग इसको जान लो, अंग संग इसको देखो, यही परमात्मा है, यही एक खुदा है। एक को जानो, एक को मानो, एक हो जाओ। गुरु का सेवक वही है केवल, प्रभु को अंग संग जाने। जो दूजा भाव मिटाए मन से, सत्य मार्ग पहचाने। जो गुरु प्यारी सत्संग जी, प्यार से बोलिए धन निरंकार जी।